हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई YouTube चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम, 3 महीने के बाद मैं ये व्लॉग बनाने यहाँ पे आया हूँ, कराची का मशहूर बंस रोड। आपको पता होगा, बल्कि कराची नहीं, पाकिस्तान और पूरे एशिया में ये बंस रोड फूड के स्ट्रीट के नाम पे मशहूर है। ऐसी फूड स्ट्रीट आपको पूरी एशिया में नहीं मिलेगी। और अभी जो इन्होंने काम किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया है। यहाँ पे रात को 7-8 बजे के बाद यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, सब बंद हैं। सिर्फ बाइकें हैं, वो बाइक ही जाती हैं, बाकी बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जाती है। और इसको इन्होंने मखसूस कर दिया है फूड के लिए, फूड स्ट्रीट के लिए। सेम यही चीज़ मैंने मलेशिया में भी देखी थी, वहाँ पे भी चाइना फूड स्ट्रीट था और उसका भी जो व्यू और लुक है वो इस बंस रोड की तरह है। और इनको इस स्ट्रीट को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लाइट लगा के, जब जगमगा के बहुत खूबसूरत बनाया है। और अभी जो जितने भी यहाँ पे शॉप हैं, उन्होंने अपने दखल निकाल के बाहर रखे हैं, चेयर बाहर हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का माहौल है यहाँ पे। और आज वीकेंड है और रश भी बहुत ज़्यादा मिल रही है हमें। आज जो हम ट्राई करेंगे, जो आज हम चीज़ें खाएँगे, वो है बाबू भाई के बन। जो इस बंस रोड में मशहूर बाबू भाई के बन है, वो हम खाएँगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक नई चीज़ नए बंदे ने को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, मटका फ्राइज़, वो भी हम ट्राई करेंगे। यहाँ के बहुत अच्छे लिमके हैं और यहाँ पे गोल गप्पे हैं। इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे। और आज जो है वो मौसम भी सर्द है, तो खाने में भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा, घूमने में मज़ा आएगा, फिरने में मज़ा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ बाबू भाई के बन से। तो आए चले स्टार्ट करते हैं बाबू भाई के बन से। पहले हम स्टार्ट बाबू भाई के बन से ही लेंगे। किस टाइम आता है? सुबह 12 बजे। सुबह 12 बजे यार, तेरे को मना। ये कब से शॉप है आपका? 1968 से है। और इसी जगह पे बंस रोड पे ये बन कैसे बना दिए आप? ये है बन तो है, ये बन भी खुद ही बना दिया आप? जी सर। हालांकि 2 किस्म के बने या एक ही है? ये 2 किस्म के गोल बने। हाँ, छोटा ये छोटा है। ये गोल वाला कितने का है? ये 50 रुपये का। हम ये 40 रुपये। वो 40 का है, सही। तो ये कहाँ पे बना दे बन वगैरह? बेकरी से बनाते हैं। बेकरी से बनाते हैं? कहाँ पे? हमारा कारीगर बना। ये घर का बना हुआ है, होममेड है यार। इसमें क्या क्या चीज़ें? इसमें चने की दाल है, आलू चने की दाल गोश्त बनाओ। 2 प्लेटें बनाओ। आपको बन के अंदर बना के दें या सेपरेट दें? नहीं, बना के दें हमें भी ना, देखते हैं कैसे बनाते हैं। मज़ा भी तो इसी में है ना बाबू भाई का बन। बाबू भाई का जो बन कबाब है, ये पूरे बंस रोड में मशहूर है और सस्ता भी है। इसमें ये इसकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि इसमें जो ये बन है वो फ्रेश है, होममेड है, ये घर पे बनाते हैं, इनकी अलग अपनी फैक्ट्री है। तो इस वजह से ये बहुत मशहूर है। ये बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बन है। इसको थोड़ा अगर जब तवे पे थोड़ा बनाते हैं तो ये बहुत क्रिस्पी और बेहतरीन हो जाता है। तो इसमें अंदर एक टिक्की होती है दाल की, उस दाल की टिक्की को ये डिप करते हैं अंडे में, और उस टिक्की को, अंडे वाली टिक्की को ये फिर बन में अंदर डालते हैं। और सबसे जो इसमें बेहतरीन चीज़ है वो चटनी है इसकी, और इस वजह से ये बहुत टेस्टी और जायकेदार है। आइए इसको टेस्ट करते हैं कि क्या है। वाह, क्या बात है, जैसे सुना था वही डेस्ट में है। और बहुत नरम है, हल्का सा है, यानी कि ये मैं 3-4 खा लूँगा आराम से इजीली। क्या है फिलहाल आप क्या कहते हैं? यार मैं भी अभी ट्राई करके देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। हम्म,
जबरदस्त काफ़ी बेहतरीन है, स्टाइल चटनी है वो जो है मज़ा दोबाला कर देती है। आप क्या कहते हैं? बहुत मज़े के हैं बन, जो इनका बन है वो बहुत साफ नरम और टेस्टी है। भाई मैं तो ये 3-4-5 खा लूँगा, आप फिर नहीं खा लूँगा। अभी 4-5 खा लूँगा, काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी मज़ेदार। आप भी अगर बंस रोड पर आ रहे हैं तो आप भी ट्राई करें। आज हम खाना भी नहीं खा के आए, सिर्फ इस बन की वजह से हमने खाना नहीं खाया। आज हमें ये बन ही फोड़ने हैं और इस बन से ही गुजारा करना है। तो आप वही कबाब पे आओगे, उसके सामने ये बाबू भाई की आटा एक शॉप है, तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो। गरम गरम है बोल दे गुलाब जामुन भाई, ये देखिए कैप्चर करें उबले हुए गुलाब जामुन खोलते हुए, जो एक होता है गरम, ये गरम से ज़्यादा है, गरम से भी ज़्यादा। ये गाजर का हलवा आज सर्दियों का मौसम है, कभी सर्दियों के मौसम की सौगात है। गाजर का हलवा जिसने नहीं खाया बहुत बदनसीब है। आप लोगों ने खा लिया है ना, बदनसीब हो। ट्राई करेंगे, ये क्या है, इसके नाम क्या है सर? ये चावल जिसे यानी कि चावल के आटे की फिलिंग है ना, चावल के आटे को आटे की शक्ल में लाके उसमें बनाते हैं। और ये गुलाब जामुन बड़े हैं वो छोटे हैं? जी सर, ये छोटे हैं और वो बड़े हैं। कुछ लोग छोटे खाना पसंद करते हैं, कुछ बड़े खाने, कुछ बड़े खाना ये इलायची जामुन कहलाती है। इनके क्या रेट है अगर आप? सर ये 100 रुपये के 4 हैं बड़े वाले, छोटे वाले 100 रुपये के 8 हैं। फ्लेवर सेम ही है, फ्लेवर सेम ही तकरीबन सेम है, इसमें थोड़ी इलायची देनी होगी इसकी वजह से थोड़ा सा फ्लेवर में। लेकिन आप खाने पे हाँ भैया, तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे लाला जलेबी कॉर्नर, लाला जलेबी कॉर्नर बंस रोड का मशहूर गुलाब जामुन, जहाँ पे हर किस्म के गुलाब जामुन आपको मिलेंगे, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। और यहाँ पे जो सर्दी की सौगात है, जो गाजर का हलवा है वो भी आपको मिल जाएंगे। और ये भाई बात कर रहा है कि ये मशहूर चावल का आटा है, उससे ये बनती है ये चीज़, और इसके ऊपर तिल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी आए आए तो यहाँ पे आप देसी घी से तैयार करदा लाला जलेबी के कॉर्नर में ज़रूर आए और इसको भी जामुन को भी इंजॉय करें। ट्राई करते हैं लाला जलेबी का गाजर का हलवा कैसा है। वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त है। इसमें देसी मक्खन की फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि हम देसी मक्खन खाते हैं तो इस गाजर के हलवे में देसी मक्खन की खुशबू आ रही है। और इसके ऊपर खोया है और बादाम डले हुए हैं, तो जो है लेकर हो गई वो 200 रुपये का खान भाई, 250 रुपये।